नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी ग्रुप द्वारा एक और नए एक्विजिशन के बारे में, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं बहुत पहले से ही ये ग्रुप बहुत सारे फील्ड में अपना प्रेजेंस रखता है, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से नए नए एवेन्यू को तलाश करते हुए अडानी ग्रुप अपना एंट्री करते जा रहा है। इन्होंने रिसेंट में ही 5G बिडिंग में भी पार्टिसिपेट किया था, यानी टेलीकॉम में भी इनकी एंट्री की पूरी चर्चा थी, और होपफुली आने वाले टाइम में आप देखेंगे अडानी ग्रुप टेलीकॉम सेक्टर में भी कुछ अपना बिजनेस कर रही होगी। और अब इनका जो नया एक्विजिशन होने वाला है वो मीडिया हाउस में है, और ये NDTV को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मेजोरिटी स्टेक खरीदने वाले हैं, और आने वाले टाइम में इनका स्वामित्व तो इस कंपनी के ऊपर हो जाएगा। ये डील किस प्रकार से और कैसे हो रही है, NDTV स्टॉक का पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, चाहे इसका बिजनेस हो, शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले टाइम में ये शेयर कैसा रिटर्न दे सकता है एक रिटेल इन्वेस्टर्स को, फंडामेंटली और टेक्निकली ये शेयर कैसा दिख रहा है, क्या करेंट लेवल पर इसको बाई करके चला जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए, और एक्विजिशन के बाद अडानी ग्रुप का इस कंपनी में कितना स्टेक हो जाएगा, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NDTV के एक्विजिशन के बारे में, और जैसा कि हेडलाइन आप पढ़ सकते हैं, अडानी फर्म्स टू एक्वायर 29.18% स्टेक इन NDTV एंड लॉन्च ओपन फॉर अनदर 26% स्टेक। मतलब अडानी ग्रुप वैसे देखा जाए तो 55% के आसपास टोटल स्टेक NDTV में अपना करने वाला है, यानी मेजोरिटी स्टेक अडानी ग्रुप के पास हो जाएगा इस एक्विजिशन के कंप्लीट होते होते। रिसेंटली जो न्यूज निकल कर आ रहा है, अडानी ग्रुप 29.18% का स्टेक जो प्रणव राय द्वारा होल्ड किया जा रहा है और करेंट टाइम में इस कंपनी के मालिक हैं, उनसे वह 100% ये परचेज कर लेगी। इसके साथ ही वो 26% स्टेक और भी बाई करने वाले हैं, जो कि ओपन ऑफर के थ्रू होगा। बकायदा ये न्यूज जो अडानी ग्रुप द्वारा प्रेस रिलीज में बताया गया है, और उस प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने बताया 29.1% का स्टेक इसके जो करंट टाइम में प्रोमोटर हैं उनसे खरीदा जाएगा, और 26% का डायरेक्ट एक्विजिशन किया जाएगा, और जिस रेट से किया जा रहा है पर शेयर इसका रेट 294 रुपीज होगा। ये एक्विजिशन कंप्लीट होते होते 55.18% का स्टेक हो जाएगा अडानी ग्रुप द्वारा NDTV में, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्रमोटर बन जाएंगे इस कंपनी का। जो NDTV का एक्विजिशन होने वाला है ये AMG मीडिया नेटवर्क लिमिटेड यानी AMNL द्वारा किया जाएगा, जो अडानी ग्रुप से बिलोंग करती है। दोस्तों, ये रहा NDTV एक्विजिशन के बारे में एक ब्रीफ जानकारी। आगे बढ़ते हुए अब हम इस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इन्वेस्टर और दूसरा ट्रेडर के लिए। क्या आने वाले टाइम में ये शेयर अच्छा रिटर्न दे सकता है, चाहे शॉर्ट टर्म फ्यूचर हो या लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो, और अडानी ग्रुप द्वारा इस एक्विजिशन के बाद इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। NDTV शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 370 रुपये चल रहा है, मार्केट कैप फिलहाल इसका बहुत ही छोटा और 2,396 करोड़ का है। स्टॉक भी इसका ठीक ठाक बना हुआ है अगर इसके पीयर से कंपैरिजन करके देखें तो, क्योंकि ये 27.5 बना हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज और रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है, क्योंकि ये 44.2% और 41.5% है। फेस वैल्यू इस शेयर का 4 रुपया है। डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी बिल्कुल जीरो है, इसलिए डिविडेंड डील का परसेंटेज आपको यहाँ जीरो नजर आएगा। मीडिया हाउस के किसी भी पुराने प्लेयर का अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको फ्लैट ही नजर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे मीडिया हाउसेज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रेजेंस अपना रखते हैं, हर किसी को एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना होता है, और जो भी उनका प्रेजेंस है उसको ही कंटेन करना काफी टफ होता है। सेल्स NDTV का लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 108 करोड़ है, जो कि ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर रिपोर्ट के आसपास ही है। अगर एक साल पहले इस सेम क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो वहां पर कह सकते हैं इसका सेल्स ठीक तरीके से ग्रो हुआ है, क्योंकि तब इसका 85 करोड़ का सेल्स था जो बढ़ के 100 पार चला गया है। OPM परसेंटेज भी पिछले एक साल में 19% से बढ़कर 28% तक जा पहुंचा है, हालांकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये भी आपको सेम ही नजर आएगा। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सेल्स इसका पिछले 11 सालों में 425 करोड़ से घट के 396 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निगेटिव हुआ करता था 2011-2012 के पीरियड में, वो अब पॉजिटिव होकर 98 करोड़ तक आया है। OPM परसेंटेज भी निगेटिव से पॉजिटिव साइड में आ चुका है, और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये 25% है।
जबकि हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर भी निगेटिविटी लगातार पिछले कुछ सालों से बनी हुई थी, यानी मैं बात कर रहा हूँ 2011 से लेकर 14, 15, 16 तक, तब इसका निगेटिव 26.97, 12.59 ऐसा करके चला करता था। लेकिन लेटेस्ट 4-5 एनुअल रिपोर्ट में कंपनी ने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है और लास्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से ये 12.38% है। अगर हम इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस देखें और परसेंटेज वाइज देखें पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस कैसा है, तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में ऑन एवरेज निगेटिव 2%, 5 साल में निगेटिव 4%, 3 साल में 0, जबकि पिछले 1 साल में इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 13% के रेट से बढ़ता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में आपको भारी जंप देखने को मिला था, क्योंकि जैसा कि हमने देखा इसका सेल्स ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन जो इसका प्रॉफिट मार्जिन 10-11 साल पहले निगेटिव हुआ करता था वो अब पॉजिटिव हो चुका है। इसलिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका पिछले 10 साल में 12%, 5 साल में 25%, 3 साल में 90% और पिछले 1 साल में 12% है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा माना जा सकता है जिस फ्रेटर्निटी से कंपनी आती है उसके अकॉर्डिंग। स्टॉक प्राइस CAGR तो इसका जबरदस्त रहा है पिछले 10 सालों में, क्योंकि लगातार ये 20% के ऊपर बना हुआ है, जो सबसे कम ऑन एवरेज आ रहा है वो 10 सालों के परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आ रहा है, क्योंकि ये 23% है, जबकि पिछले 5 साल में 57%, 3 साल में 121%, जबकि 1 साल में पिछले इस शेयर प्राइस में 369% का CAGR मिला है इसके इन्वेस्टर को। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में निगेटिव 16 दिख रहा है, जबकि 5 साल से लेके पिछले 1 साल तक के 22% से लेके 42% पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। बैलेंस शीट फिलहाल NDTV का अच्छा नजर आ रहा है और मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 207 करोड़ है, जो पिछले कुछ एनुअल रिपोर्ट में लगातार बढ़ रहा है। बोरोइंग भी इस कंपनी पर कम होता हुआ दिख रहा है और पिछले 4-5 एनुअल रिपोर्ट का अगर हम बात करें तो ये 191 करोड़ से घट के 75 करोड़ फिर 22 करोड़ तक जा पहुंचा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2019 में जो 61.45% था वो कंटिन्यू बना हुआ है और जून 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 61.45% ही है। FIs की होल्डिंग भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही नजर आएगी और यहां पर मार्जिनल आपको इंक्रीमेंट दिखेगा और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 14.70 है। DIs की होल्डिंग शुरू से ही इस कंपनी में 0 है और अब तक ऑलमोस्ट 0 बना हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस में NDTV के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ फ्लैश हुआ है अडानी ग्रुप इस कंपनी को एक्वायर करने वाली है, वैसे ही इस शेयर में आने वाले कुछ दिनों में पॉजिटिव मूवमेंट बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अडानी ग्रुप के शेयर रॉकेट की तरह भागते हैं हो सकता है एक्विजिशन के पहले उस टाइप का एक अच्छा मूव देखने को मिले। लेकिन इस न्यूज़ के पहले का भी अगर हम टेक्निकल समरी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज 5 मिनट से लेके मंथली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग बाई बना हुआ है। आप बीच के पीरियड में देख सकते हैं डेली हो मंथली हो या 15 मिनट एक घंटे का चार्ट हो, हर तरफ केवल स्ट्रॉन्ग बाई ही नजर आएगा। मैक्सिमम टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहां पर स्ट्रॉन्ग बाई ही बना रहे हैं, इसलिए समराइज करके अगर आप समझने की कोशिश करें यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा। NDTV के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नजर डालें तो इंटरेस्टिंग वैल्यू, ROE वर्सेस JBD रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स और रेड फ्लैग यहां पर दिख रहा है, क्योंकि फिलहाल ये कंपनी ASM लिस्ट में है। ये चारों आपको रेड जोन सिग्नल करता हुआ दिखेगा, एकमात्र जो पॉइंट ग्रीन सिग्नल दे रहा है वो एंट्री पॉइंट है, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में अभी तक नहीं पहुंचा है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए अगर हम इस शेयर को पीयर्स के साथ कंपैरिजन करके देखें तो इसका पी रेशियो 10:8.96, पीबी रेशियो 13.56 है। जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस का पी रेशियो 10:5.81 जबकि पीबी रेशियो 2.46। सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड का 12 के आसपास आपको पी रेशियो नजर आएगा जबकि पीबी रेशियो 2.79 के आसपास। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड 40.63 पीई रेशियो के साथ 2.30 पीबी रेशियो मेंटेन कर रही है, यानी ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज हम देखें तो सन टीवी आपको सबसे अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, क्योंकि इसका पी रेशियो 12 के आसपास है। जी एंटरटेनमेंट नंबर 2 पोजीशन पे आता है क्योंकि इसका पी रेशियो 26 के आसपास है और नंबर 3 पोजीशन पे NDTV आएगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट 29 के आसपास चल रहा है। फाइनली ओवरऑल अगर हम NDTV के फ्यूचर की बात करें और करंट लेवल पर बाइंग की बात करें तो जैसा कि हमने देखा टेक्निकल इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहा है आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं और आने वाले कुछ टाइम में एक अच्छा मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, जहां पर आप उस मोमेंटम को राइड करते हुए एक ठीक ठाक रिटर्न पा सकते हैं।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर को कंसीडर करना चाहते हैं और इसको बाय करके चलना चाहते हैं, मेरे हिसाब से अडानी ग्रुप एक्विजिशन के बाद निश्चित ही इस ग्रुप के कंपनी सबका जो ट्रेंड रहा है पिछले 3-4 सालों में, वैसा ही ट्रेंड अगर इस शेयर में भी बनता है, हो सकता है 1-2 सालों में आपको ये मल्टी बैगर या 300 से लेकर 400% का रिटर्न दे दे। लेकिन चूंकि अडानी ग्रुप अपने ही मूड में चलता है, इसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कुछ भी प्रेडिक्ट करना अभी एनडीटीवी के बारे में बहुत ही खतरों भरा हो सकता है। हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में ये शेयर आपको 300-400% का रिटर्न दे दे, या ये भी हो सकता है कोई भी एक निगेटिव न्यूज फ्लो आ जाने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिले और डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट इस शेयर पर भी आता हुआ दिखे। इसलिए आप अपने रिस्क एपिटाइट को एनालिसिस करते हुए, इस कंपनी का फंडामेंटल देखते हुए, फ्यूचर को कंसीडर करते हुए ओवरऑल थोड़ा सा ज़्यादा एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग अपना कॉल लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो एनडीटीवी के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।